पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को संबोधित। पीएम मोदी फरीदाबाद में अमृत अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, 2008 में पड़ी थी नींव। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट कराने आज जाएंगी ब्रिटेन, राहुल और प्रियंका भी गांधी के साथ होंगे। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत, उनकी बहन ने सीबीआई जांच की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली मोड पर लोकसभा लोकभवन कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने बातें 5 सालों के कार्यकाल में हासिल की गई सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जिसके साथ ही उन्हें लोकभवन कार्यक्रम में 144 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया और उन्होंने पुलिस विभाग के कामों को सराहते हुए बधाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली मोड पर लोकभवन कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने 5 सालों के कार्यकाल में हासिल की गई सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने लोकभवन कार्यक्रम में 144 आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया और उन्होंने पुलिस विभाग के कामों को सराहते हुए बधाई दी। एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं, ये जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे के कारण प्रदेश के बारे में न केवल लोगों की धारणाएं बहुत अत्यंत खराब थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, जिस पर सपा प्रवक्ता ने पलटवार किया। सपा प्रवक्ता अमिक जमेई ने कहा कि बीएसपी एंट्री सीएए आंदोलन में बीजेपी के साथ थी, जबकि सपा ने गालियों का शिकार हुए मुलायम परिवार की मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा, आइए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मायावती जी आज फिर बीजेपी आरएसएस के साथ स्टैंड करते हुए दिख रही हैं। जब पूरे देश में मुसलमानों के मामले में, मुसलमानों के संवैधानिक मामलों में वो खुद बीजेपी आरएसएस के साथ सड़क पे खड़ी हैं, बीजेपी आरएसएस के साथ संसद में उन सभी मुद्दों पे खड़ी हैं, आज पूरे देश में समाजवादियों की सिर्फ अकेली ऐसी ताकत है जो मुसलमानों के सभी संवैधानिक मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ रही है। उनका इल्जाम है कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी से मिलने गए और मुसलमानों के मामले में वो नहीं बोलते। क्या ये बात पता नहीं है मायावती जी कि जब माननीय आजम खान साहब जेल गए, 1 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सीतापुर का घेराव करके वो उनसे मिलने गए थे। जब सीए का मूवमेंट हुआ, आप एंटी सीए मूवमेंट पे बीजेपी आरएसएस के साथ खड़ी थी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में जिन 30 लोगों को गोलियों का से भून डाला था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उनकी मदद करने में, उनके परिवारों को मदद करने में हमारे समाजवादी लोगों ने। औरैया के विकास भवन में एक युवक ने नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
आपको संज्ञान में लेकर डीएम ने एसडीओ की जांच कर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वीडियो में युवक विकास भवन में बने सभागार कक्ष के बाहर नमाज पढ़ रहा था। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 4 दिवसीय दौरे पर गए। साथ ही जल शक्ति एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अर्दली बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मेयर मृदुला जायसवाल समेत बीजेपी के कार्यकर्ताएं भी इस अभियान में शामिल हुए। वहीं स्वच्छता अभियान पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर हम सबका सपना पूरा कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना, प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट की सफाई से लेकर जिस प्रकार स्वच्छता अभियान चला, आज राज्य के अंदर देश के अंदर लोग स्वप्रेरणा से स्वच्छता अभियान चलाते हैं और घर के बच्चे भी परिवार को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए पापा। यदि ये प्रेरणा कहीं से मिली है तो आदरणीय मोदी जी से मिली है। कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश भी अब स्वच्छता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ले रहा है हमारे नगर निगम नगर पालिका है और आगे चल रहे। और स्वच्छता अभियान से जो अभियान है ये साधारण है, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, योग, जल संचय, यही जीवन को बचाएगा। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह आदेश जिला न्यायालय की तरफ से जारी किया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई करते हुए पुलिस अतीक अहमद की 75 करोड़ के रुपए की अवैध संपत्तियों को कुर करेगी। हरदोई में हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई चरखरा गांव के कांग्रेस में 8 सदस्यीय डेलीगेशन दौरे पर पहुंचा। यहां 22 मिनट तक कांग्रेस के पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। साथ ही नकुल दुबे ने वहां मौजूद पुलिस अफसर से भी बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय संगत कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस नेता आंदोलन को बाध्य होंगे। जिस तरह से पूरा का पूरा गांव छावनी में तब्दील करके एक अजीबोगरीब वातावरण फैलाया गया है, लेकिन वास्तव में जो लोग अभियुक्त हैं या जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं उनके खिलाफ़ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रशासन उनके खिलाफ बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से मैंने लोगों से बात सुनी है कि एक साहब तो रस्सी से लटक ही गए थे, पुलिस प्रशासन ने पुलिस वालों ने जाकर उनको अस्पताल में भर्ती कराया। जिस तरह से भी बेटियों की बात सुन रहा था मैं, और जिस तरह से एक साहब थे दिल्ली में उनका घर तोड़ करके उसमें 4-5 लाख रुपए का उनका सामान ले जाया गया और अभी तक पुलिस ने उस पर FIR तक नहीं लिखने की जहमत उठाई। बच्चे कहीं पूजा करने के लिए गांव के पश्चिम जा रहा था 6:30 बजे करीब, वो उधर से पूजा करके लौट रहा था। वहाँ कुछ लोग बैठे थे, प्रमोद कुमार यही तीनों भाई, कुछ और भी इनके साथी रहे होंगे, तो इन्होंने कुछ उससे कहा। वहाँ पर इनकी कुछ कहा सुनी हुई, कहा सुनी होने के बाद में ये दोनों लोग अपने दौड़ दौड़ के घर पे आ गए। घर पे आने के बाद प्रमोद शुक्ला का पूरा परिवार अपने छत पे चढ़ के ईंटा पत्थर चलाने लगा, उधर से जवाब में बोगी चलाने लगे। जब आवाज़ हुई गांव में शोरगुल हुआ तो लोग दौड़ के पहुँचे, दौड़ के लोग पहुँचे तो प्रमोद शुक्ला उनके ऊपर भी ईंटा पत्थर चलाने लगे। तब हमने हटके वहाँ से इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, तुरंत फोर्स आया, PRB आई 2-3 गाड़ी, तब ये मामला शांत हुआ। मैनपुरी में किरण नायक उर्फ आकांक्षा की चर्चा आज पूरे यूपी में हो रही है। बता दें किरण का डांस वीडियो रातों रात वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें अफवाहें उड़ रही थी कि किरण नायक की मौत हो चुकी है। वहीं पर परिजनों ने जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने कोहराम मचा दिया, लेकिन इस बात पर अभी किसी तरह का कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। कौन से स्कूल में पढ़ने के? स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में थी? 12वीं। आज घर से निकली थी? मेरे घर से निकली, साइकिल पंचर होगी, मेरे बच्चा को बैठाना। कितने बजे निकली थी घर से? 7 बजे निकली थी। अच्छा, कितने बजे तक पहुंच जाती थी? 7:30 बजे टेम्पू एम्पूआ जा जाती, 7:30 बजे पौने 8 बजे मिली है। नहीं तो यहाँ आप कितने बजे आए हैं? मैं अभी आए, हमने इंतजार करके मैं अपनी सड़क पे इंतजार कर रहे थे भैया। अमूमन बच्ची कितने बजे घर पहुँच जाती थी? 2 बजे पहुँच जाती थी।
कितनी देर इंतजार किया आपने? मैंने तो देखो जो साइकिल ले आया। सुबह घर से कितने बजे निकली? 7 बजे निकली। स्कूल में पहुंचे तो इसमें आरसी इंटर कॉलेज में क्या कहा? बताई नहीं, ये बताई नहीं, नंबर ही नहीं दिया कोई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।